तो दोस्तों, फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटा बेसिकली लाख्स में दिया गया है, मैं आपको क्रोर्स में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 394 करोड़ के आसपास, पिछले साल 308 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 413 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के टोटल ऑपरेशन के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने मिली, अप्रोक्सीमेटली बोल सकते 38% के आसपास का जंप आपको देखने मिला है। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट 5% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टरली या सालाना बेसिस पर देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। कंपनी का इंटरेस्ट इनकम देख लेते हैं क्योंकि मेन रेवेन्यू तो यहीं से जनरेट हो रहा है। पिछले क्वार्टर में 374 करोड़ कंपनी जनरेट किए थे, पिछले साल 290 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 392 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो यहाँ भी देखें तो कंपनी का जो इंटरेस्ट इनकम है वो आपको साल दर साल और क्वार्टर क्वार्टर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। खर्चे की बात कर लेते हैं, पिछले क्वार्टर में कंपनी 320 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 252 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 341 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे भी ठीक ठाक हैं, ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे नहीं है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 57 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 51 करोड़ के आसपास, अभी देखें तो बढ़ के 65 करोड़ के आसपास कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी ऑलमोस्ट 28% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। जितना कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है उसके आसपास ही कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको साल से साल बढ़ता हुआ देखने को मिला। जबकि क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट के अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 12% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। तो क्वार्टर क्वार्टर साल से साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 1.78 रुपये, पिछले साल 1.60 रुपये, अभी देखें तो बढ़ के 1.92 रुपये के आसपास आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर नंबर को मैं समराइज करूँ तो देखिए नंबर अच्छे देखने को मिल रहे हैं, कंपनी का रेवेन्यू और कंपनी का प्रॉफिट दोनों देखें तो आपको साल दर साल और क्वार्टर क्वार्टर आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।